ये जो आप देख रहे हैं ये पहले उस्मानिया सल्तनत का अदालत हुआ करती थी और इस वक्त ये तेलंगाना हाई कोर्ट है। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये गिफ्ट आइटम है उनके ये। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखा, ये भी इधर भी गिफ्ट आइटम है। तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये मोजमजाई मार्केट जो मैं अपने ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ, वो परफ्यूम और आइसक्रीम के लिए है अभी। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये मीर उस्मान अली ने भारत सरकार को 5,000 किलो सोना दान में दिया था, ये शास्त्री मीर उस्मान अली खान के साथ में। ये देखिएगा, ये गिफ्ट आइटम है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये साबुन उनकी और ये परफ्यूम वगैरह। तो चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिएगा, ये पूरा हाथी के दांत का बना हुआ है, ये देखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये फरमान जो उस समय आप देखते हैं, अभी उस्मानी सल्तनत में देखा आपने, वो ऐसे निकालते हैं, वो उसमें आके चिट्ठी आती थी, ये वही है। चलिए ये देखिएगा सर, ये ऑलविन कंपनी का ताला है और सोने की चाबी है इसमें। ये जो दोस्त आप देख रहे हैं, इसमें अगर पहले चेक किया जाता था कुछ भी, दूध पानी कुछ भी, अगर उसमें जहर होता तो ये कलर चेंज हो जाता था। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा, ये गिफ्ट आइटम है सारे, काफ़ी शानदार है भाई ये। ये देखिएगा, ये देखिएगा मीर उस्मान अली का जनाजा, ये 67 में इनका इंतकाल हुआ। और ये देखिएगा जनाजे में भाई कितना आदमी है, बहुत ही शानदार है। ये देखिएगा दोस्तों, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मॉडल है, 100 किलो चांदी का बना हुआ है ये। ये देखिएगा बहुत ही शानदार है भाई ये। ये देखिएगा पूरा 100 किलो चांदी का बना हुआ है ये, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मॉडल, बहुत ही शानदार है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये सोने का है, ये यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन हुआ था तब ये मिला था दोस्तों। ये देख सकते हैं असरफी सोने की। अब चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखिएगा बहुत ही शानदार व्यू है ये। ये देखिएगा दोस्तों, ये पूरा गोल्ड का है सारा, ये देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ये टिफ़िन, ये 100 करोड़ का टिफ़िन है। और ये 2018 में चोरी हो गया था, चोर हैदराबाद का था, उसने इसमें बिरयानी खाई थी। और ये देखिएगा बहुत ही शानदार है, ये देखिएगा ये गोल्ड का है सारा, बहुत ही शानदार है। ये देखिएगा बहुत ही शानदार व्यू है भाई ये सारा आइटम। ये देखिए अभी चलते हैं आगे, बताते हैं आपको कुछ। ये देखिएगा सर, ये परफ्यूम बोतल कदम के झाड़ में गिफ्ट किया उस्मान को। और इसमें देखिएगा ये कृष्ण जी की, ये आप करीब से देखिएगा ये। और नीचे आप देखिएगा गोपियाँ, ये नीचे गोपियाँ हैं। चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं कुछ। ये देखिएगा ये सब उन्हीं का है। चलिए अब आगे चलते हैं सर। ये देखिएगा ये स्टिक है और इनमें डायमंड बसरा मोती और रूबी लगा हुआ है, ये देखिएगा बहुत ही शानदार। ये देखिएगा भाई, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल लेडी है उसमें बना हुआ है, बहुत ही शानदार है। ये देखिएगा बहुत ही शानदार है ये भी। ये पेंटिंग देखिएगा सर, ये पेंटिंग जिस मकसद से बनाई थी, ये आँख में बच्चों का तारा और सर पे बाप का ताज, ये देखिएगा काफ़ी शानदार है भाई। ये देखिएगा दोस्तों, ये गोल्ड का है पूरा बना हुआ, जुबली थ्रोन, जुबली हॉल है ये। ये हैदराबाद की जनता ने निज़ाम को गिफ्ट किया था। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये चेयर गोल्ड की बनी हुई है और 25 साल पुराने के बाद निज़ाम इसी पे बैठे थे, बहुत ही शानदार है। ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ देखने की,
ये पूरी सोने की बनी हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये 200 साल पुरानी लिफ्ट है और ये मैनुअली हाथ से चलने वाली है। ये देखिएगा, ये हाथ से चलती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये 3500 साल पुराना सामान है जो यहाँ निज़ाम म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये देखिएगा, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको कोहिनूर, होप और जैकब डायमंड डुप्लीकेट हैं ये। चलिए अब आगे दिखाता हूँ आपको। ये जो वेट हैं उस ज़माने के, और उसी ज़माने के ये नीचे रेट हैं, जैसे राइस हुआ, वेट हुआ, बटर हुआ, पेपर हुआ, ये सब उस समय के रेट हैं। चलिए ये देखिएगा, ये रेलवे का मॉडल है सन 1937-38 का। ये मैं दिखाता हूँ आपको सारा। ये देखिएगा, इधर रेल की पटड़ियाँ हैं। ये देखिएगा, ये पटड़ियाँ हैं। पूरा मॉडल हैदराबाद रेलवे स्टेशन का है। ये देखिएगा, ये 1931 के डाक टिकट हैं, मानेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार। ये जो कॉइन्स आप देख रहे हैं, ये बहमनी कॉइन्स हैं, और ये मैं बता दूं आपको, ये कुतुब शाही कॉइन्स हैं। आप यहाँ आएंगे, निज़ाम म्यूज़ियम में रखे हुआ है ये। और ये अफजल जाही कॉइन्स, यानी निज़ाम के समय की। तो चलिए अब आगे दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिएगा, ये हैं हैदराबादी डायलॉग्स, तो आप पढ़ सकते हैं इन्हें यहाँ आके। दोस्तों ये जो आप जंगला देख रहे हैं ना, ये वो जो 100 करोड़ का टिफ़िन चोरी करके ले गया था चोर, वो यहीं से भागा था और जाके उसमें बिरयानी खाई, और 15 दिन बाद वो फिर से मिल गया था। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम चल रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी देखने। ये देख, और आप अगर इधर देखें ऊपर, इधर जूते और टॉफी का कलेक्शन होता था, और इधर आप देखें ये, इधर सारा कपड़े का कलेक्शन होता था, नीचे डेली वेयर का कलेक्शन होता था। और इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं तो लगभग 175 फीट लंबाई है इसकी, और 150 दरवाजे हैं इसमें, और ये बर्मा की लकड़ी से बना हुआ है ना। और हर दो दरवाजे के बाद में एक ट्रायल रूम होता था इसमें, कपड़े चेंज करने का ये काफी है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये एक साइड कपड़ा होता था, ये इधर ऊपर जूता रखा जाता था, टोटली जूते रखे जाते थे ऊपर। और ये दुनिया की सबसे बड़ी अलमारी है भाई। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ना, ये 175 फीट लंबी है, और इसमें 150 दरवाजे हैं, और हर एक दो के बाद में ट्रायल रूम है इसमें। आप देख सकते हैं ये ट्रायल रूम है, ओपन है ये देखिएगा, बहुत ही शानदार है ये।